नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा, आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि 14वीं से लेकर के 16वीं सदी के इतिहास पर आधारित है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, जो कि 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच का है। एंड विजयनगर साम्राज्य का इतिहास काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो विजयनगर साम्राज्य में कई सारे राजवंशों के कई सारे राजाओं ने राज किया। हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले आपको बहमनी राजवंश मिलता है, संगम वंश मिलता है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो सुलुप वंश मिलता है, तुलुप वंश मिलता है, इसके बाद में भी एक दो वंश और आए जिन्होंने यहां पर राज किया। एंड कई सारे राजाओं ने राज किया। हम देखते हैं हरिहर प्रथम ने राज किया, बुक्का प्रथम ने राज किया, हरिहर द्वितीय ने राज किया, देवराय ने राज किया, देवराय द्वितीय ने राज किया, इसके बाद में देखो कृष्ण देवराय ने राज किया। इसके अलावा भी कई सारे राजा हैं, सुलुभ ने यहां पर राज किया, राम राय ने राज किया, सदाशिव राय ने राज किया, अच्युत देव राय ने यहां पर राज किया। तो काफी महान साम्राज्य, काफी महान इतिहास है विजयनगर साम्राज्य को, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने इससे पहले क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 एंड उसके बाद में क्लास 12 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के इससे पहले आए हुए वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके एक बार जरूर देख लेना। इससे पीछे का इतिहास अगर आपको मालूम होगा तो इस चैप्टर को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि हिस्ट्री जो है पीछे से जुड़ी हुई रहती है। हिस्ट्री जो होती है एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती है। तो ये वीडियोस जाकर जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेस दे दी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाया था। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी को जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिएगा। एक तो देखो कुछ प्रोग्राम्स थे जिस वजह से हम आपके लिए वीडियोज़ नहीं ला पाए, एंड उसके बाद में हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी जिस वजह से हम आपके लिए वीडियोज़ नहीं ला पाए। अब क्लासेस देनी स्टार्ट हो गई हैं, पर डे 3 से 4 क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तैयार हो जाइएगा। और अब आपकी भी मदद हमको चाहिए है ताकि हर एक वीडियो में उतने ही व्यूज़ आएँ जितने कि हमेशा से आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्रत्येक चैप्टर में एनसीईआरटी ने क्या किया है कि हर एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, हर एक टॉपिक को बेसिक के साथ में नहीं बताया है। यहाँ पर टॉपिक की जो मेन थ्योरी है वो बता दी गई है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम आपको मेन थ्योरी बेसिक से नहीं समझाएंगे तो आपको वो याद नहीं होगी। हम कहानी के साथ में चलेंगे बट कम्प्लीटली गहराई से समझेंगे यहाँ पर, इस वजह से वीडियो बड़ा होने वाला है। एंड इस चैप्टर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। वैसे किताब के आधार पर अगर हम चलते तो एक ही पार्ट में वीडियो बनता है एंड 1 घंटे के आसपास कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन हो जाता है, बट चूंकि किताब में गहराई से हर एक टॉपिक नहीं दिया गया इस वजह से हम इसको समझेंगे बट 2 पार्टों में समझेंगे एंड वीडियो बड़ा होने वाला है। तो टाइम निकालकर बैठ जाइएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, आप उसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के थोड़े से, कि इस साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई एंड इस साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर जो ये शब्द है, ठीक है, विजयनगर अथवा आप कह सकते हो विजय का शहर, ये एक शहर के लिए और एक साम्राज्य के लिए दोनों के लिए नाम उपयोग किया जाता था, ठीक है, दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। यानी कि एक शहर था जिसका नाम था विजयनगर और वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, और उस राजधानी के नाम से ही पूरे के पूरे देश का मतलब पूरे के पूरे साम्राज्य का नाम रख देगा। जैसे आप देखते हो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारे राज्य आते थे, बट चूंकि राजधानी दिल्ली को रखा गया इस वजह से नाम दे दिया गया दिल्ली सल्तनत। इसी तरह से चूंकि राजधानी विजयनगर थी इसलिए पूरे साम्राज्य का नाम रखा गया विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। चलिए अब इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में सन 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर के की थी। किसने? हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने मिलकर के इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जब ये साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी कि जब अपने पीक पर था, तो कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा देश जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, या फिर आप कह सकते हो समुद्र से घिरा हुआ। हमारा देश जो है 1, 2 और 3 तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए हमारा देश जो है प्रायद्वीप है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, यानी कि कृष्णा नदी हमारा अगर आप देश देखोगे तो यहाँ पर कृष्णा नदी निकलती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा,
ठीक है, जब ये अपने पीक पर था तो इतने पूरे बीच में विजयनगर साम्राज्य फैल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो यहाँ पर ये तो देख लिया है जो विजयनगर साम्राज्य उसकी स्थापना 1336 में हुई थी और हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। बट यहाँ पर क्या आपको ये पता है कि जब स्थापना हुई थी तो उस समय पर किसी ने इनको क्यों नहीं रोक पाए? स्थापना जब भी किसी देश की स्थापना होती है तो आप देखो कई सारे राज्य आपस में लड़ते हैं, तो यहाँ पर इनको कोई क्यों नहीं रोक पाया? एंड हरियर और बुक्का ये कौन थे? एक बार इनका इतिहास आप समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जब दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक अस्थिरता आई, जो कि हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किया था, दिल्ली सल्तनत में जब राजनीतिक अस्थिरता आई यानी कि यहाँ पर उथल पुथल मची, तो इसका लाभ उठा करके कई सारे जो छोटे छोटे रजवाड़े थे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। इसी का फायदा उठा करके दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राजवंश की स्थापना की गई। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की और बहमनी राजवंश की स्थापना की गई। इससे क्या हुआ, यहां से विजयनगर साम्राज्य का रास्ता खुल गया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब हम बात कर लेते हैं भैया हरिहर और बुक्का ये दो कौन थे एंड कहां से आए। आपने वारंगल सुना होगा नाम, ठीक है, वारंगल एक साम्राज्य राज्य था, ठीक है, और वारंगल में काकतीय राजा थे। ठीक है, काकतीय राजा, इनके बारे में अगर आप देखोगे तो एक मूवी बनी है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जहां पर आप देखोगे एक महिला थी जिन्होंने अपने आप को एक पुरुष के रूप में दर्शाया था। ठीक है, इनके ऊपर साउथ में एक मूवी बनी है, बहुत ही मतलब अल्लू अर्जुन की मूवी है, वो आप देख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो काकतीय राजा के सामंत थे ये हरियर और बुक्का। ठीक है, इसके बाद में कांपिल नामक राज्य था जहां पर इनको मंत्री बनाया गया। ठीक है, कांपिली है जिसको आज हम आधुनिक कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज कर्नाटक के नाम से, बट पहले से कांपिली नाम दिया गया था। तो कांपिली में ये मंत्री थे और मंत्री जब थे तो क्या हुआ, वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया। कहां पर? कांपिली में। जब आक्रमण किया तो आक्रमण के दौरान इन दोनों भाइयों को, हरियर और बुक्का को, इन दोनों लोगों को उठाकर यहां से ले गए। ठीक है, आक्रमण करने के बाद में इनको उठाकर ले गए, पकड़ ले गए, बंदी बना ले गए और फिर इसके बाद में इनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया। ठीक है, इस्लाम धर्म इन्होंने जबरदस्ती फॉलो करवाया गया और फिर इसके बाद में इनको ये काम सौंपा गया कि आप जाओ और कांपली के जो विद्रोही हैं उनका दमन करो। ठीक है, और सिर्फ दमन ही नहीं करना है, ठीक है, वहां पर आपको अपने उत्तरदायित्व निभाने हैं। ठीक है, वहां पर क्या करना है, इस्लाम में दीक्षित करने के बाद में कांपली में जो दिल्ली सल्तनत के विद्रोही हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही हैं, उनका नाश करो, इसके लिए भेजा गया। लेकिन जब ये वहां पर आए, ठीक है, तो आने के बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत अपना काम किया। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे मदुरई हो गया, मैसूर हो गया, वारंगल है, यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए ये तीन के तीनों और भी कई सारे राज थे जो कि प्रयत्नशील थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आकर के देखा, थोड़ा बहुत तो अपना काम किया, लेकिन हरियर और बुक्का ये लोग जो मुस्लिम बन गए थे, ठीक है, ये अपनी स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम धर्म का परित्याग करने का इन्होंने सोच लिया। ठीक है, चूंकि इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था तो ये अपने गुरु के पास गए, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। क्या नाम था लिख लीजिएगा, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। ठीक है, जब आप डीपली पीसीएस वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पर ये काम आएगा, विद्यारण्य। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, विद्यारण्य इनके गुरु का नाम था। ये अपने गुरु के पास गए और इनके गुरु ने इनको क्या किया, पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया और फिर इसके बाद में संगम वंश की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी जो थी वो विजयनगर है। ठीक है, अब जब विजयनगर राजधानी बन गई, संगम वंश की स्थापना हो गई, फिर यहां से ये आगे बढ़े और यहां से इसी समय पर इन्होंने 1336 में अपने राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब इसका इतिहास आपको पता चल गया कि आखिरकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने की, जिसने हरियर और बुक्का ने, जिन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, वो कौन थे, कहां से आए थे, पहले क्या थे, पहले वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे, फिर इनको कांपिली नामक राज्य के मंत्री बनाए गए, कांपिली जो कि आधुनिक कर्नाटक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक इनको बंदी बनाकर ले गया इनके राज्य पे आक्रमण करके और इनको मुसलमान बना दिया और इनको काम सौंपा गया कि आप विद्रोहियों को दबाओ जा करके, फिर इनके गुरु ने इनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया और फिर इन्होंने अपने संगम वंश की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब आगे बढ़ते, 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूट लिया गया। किस पर आक्रमण करके? विजयनगर साम्राज्य पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर कब आक्रमण हुआ? 1565 में, लिख लीजिएगा, आक्रमण करके इसे लूट लिया गया और बाद में ये उजड़ गया। ठीक है, 17वीं-18वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और फिर कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के जो निवासी थे, यानी कृष्णा नदी के आसपास वाले और जो तुंगभद्रा नदी के आसपास
वाले जो लोग थे उनकी यादों में ये जीवित रहा साम्राज्य कि हाँ ऐसा एक साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है भाई, आपको भी आपके यहाँ के जो महान लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनका इतिहास तो पता ही होगा। इसी तरह से यहाँ के जो आम जनता थी उनकी याद में ये साम्राज्य बना रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 17वीं-18वीं साम्राज्य तक ये जो साम्राज्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। 17वीं-18वीं का यहाँ पर अर्थ है 1600 से लेकर के, ठीक है, 1600 से लेकर के 1700 के बीच में ये साम्राज्य जो था पूरी तरह से धीरे धीरे संपूर्ण नष्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने इसे जो यहाँ पर निवासी थे, निवासियों ने इसे हम्पी नाम से याद रखा। ठीक है, हम्पी नाम से इस साम्राज्य को याद रखा और इस नाम का आविर्भाव यहाँ की एक स्थानीय देवी थी जिनका नाम था, ये स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ, जो हम्पी नाम ये से इसको याद रखा गया। तो इस हम्पी नाम का प्रादुर्भाव जो हुआ है, आविर्भाव जो हुआ, यानी इस नाम का जो खोज की गई है, आप ऐसे समझ सकते हो, वो यहाँ की एक स्थानीय देवी है जिनका नाम है मातृदेवी पंपा देवी, इनके नाम से इस नाम को रखा गया। ठीक है, जो इतिहासकार हैं वो विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जो कालीन लोग थे वहां के वो इसे कर्नाटक साम्राज्य नाम से जानते हैं। याद रखना, इतिहासकार इस साम्राज्य के लिए विजयनगर साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वहां के जो स्थानीय लोग थे, समकालीन लोगों ने इस साम्राज्य के लिए कर्नाटक साम्राज्य इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हम्पी की खोज कैसे की गई। ठीक है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है भैया, हम्पी की आखिरकार खोज हुई कैसे। तो हम्पी के भग्नावशेष, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भग्नावशेष का अर्थ क्या होता है। तो भग्नावशेष शब्द जो है इसका अर्थ होता है खंडहर, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पर पहले तो बहुत ही सुंदर था बट अब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हम्पी के खंडहर थे, 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुराविद कर्नल जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी, इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए। याद रखना, ये जो कॉलिन मैकेंजी, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 1800 ईस्वी में जो ये कॉलिन मैकेंजी जी हैं, इनके द्वारा इस साम्राज्य को प्रकाश में लाया गया, यानी कि सभी लोगों के सामने रखा गया। मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और इन्होंने इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, यानी कि पूरे के पूरे हम्पी का इन्होंने जाँच की और जाँच करने के बाद में पूरी की पूरी जाँच के आधार पर इसका एक सर्वेक्षण, पहला सर्वेक्षण मानचित्र इन्होंने तैयार किया। उनके द्वारा जो शुरुआती जानकारी यहाँ पर हासिल की गई उसमें विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थल और पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित, यानी कि जो स्टार्टिंग की इन्होंने यहाँ से जानकारियाँ निकाली वो वहाँ पर जो विरूपाक्ष मंदिर था उससे इन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की। विरूपाक्ष मंदिर में जो रहने वाले जो पुरोहित थे और विरूपाक्ष मंदिर में जो भी इनको सबूत मिले, पंपा देवी में जो भी सबूत मिले, उसके आसपास के जो निवासी थे उनसे जो भी जानकारी मिली, इसके अलावा जो पुरोहित लोग थे, ठीक है, इनकी जो यादों में जो भी जानकारियाँ थी उसके आधार पर इन्होंने पूरे के पूरे इस हम्पी की जानकारी को प्राप्त किया एंड इस साम्राज्य के इतिहास को, शुरुआती जानकारी इसकी निकाल के सामने रखी। ठीक है, 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के जो अन्य मंदिर थे यहाँ से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखो, 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने इसकी खोज की। ठीक है, हम खोज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले किसी और इतिहासकार ने इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए थे। यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि आए और इन्होंने इसके बारे में जनता को बताया। ठीक है, जनता से पूछ के सरकार को बताया, हम ये कह सकते हैं, इसका इतिहास लिखा। ठीक है, इसकी एक खोज की। फिर इसके बाद में 1836 तक आते आते क्या हुआ, कई सारे अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा किया। ठीक है, अभिलेख तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं पिछले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 1836 तक आते आते यहाँ पर जो कई सारे इतिहासकार आ चुके थे और उन्होंने इसके इतिहास को समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। यानी कि यहाँ पर जितने भी इनको स्रोत प्राप्त हुए, जैसे कि अभिलेख इनको प्राप्त हुए, ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो आम जनता थी उन्होंने इसके इस साम्राज्य के बारे में बताया, तो जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त की उन सभी जानकारियों को मैच किया जो इनको विदेशी जो यात्री आए थे उनके जो वृत्तांत मिले, यात्रियों के वृत्तांत। इसका आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आए, भारत में कई दिनों रहे, घूमे और घूमने के बाद में भारत के ऊपर एक पूरा का पूरा पुस्तक लिखे,
और पुस्तक लिखने के बाद में उसे यहाँ के लोगों को देकर चला जाए, तो वो होगा यात्रियों का वृतांत, यात्रा वृतांत। उन्होंने यहाँ पर ऐसा यात्रा की और उनका ये अनुभव यहाँ पर रहा, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ये देखा, इसके बारे में बताया, ठीक है। तो इतिहासकारों ने जो भी यहाँ पर मतलब अभिलेख प्राप्त किए या फिर जितनी भी यहाँ पर इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त की, उन सभी को मैच करके देखा यात्रियों के वृतांतों के साथ में, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्यों को भी इसके साथ में मैच करके देखा गया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त लेते हैं कॉलिन मैकेंजी के बारे में। जो कॉलिन मैकेंजी जी हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि आखिरकार ये कौन थे, कहां से आए थे एंड इन्होंने क्या क्या किया। 1754 में इनका जन्म हुआ था कॉलिन मैकेंजी का, और ये एक अभियंता थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार थे। यानी कि ये अभियंता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए जो लोक वस्तुओं संबंधी चीज़ें जानने वाला होता है, ठीक है, जो लोक वास्तु से संबंधित, ठीक है, से संबंधित चीज़ें जो जानता है, ठीक है, उसके लिए आप इंजीनियर कह सकते हो, ठीक है, इंजीनियर कह सकते हो, उसे अभियंता कहते हैं, ठीक है। तो एक इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार भी थे, ठीक है। इसके रूप में इनको प्रसिद्धि हासिल हुई थी। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेक्षक जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे थे, ठीक है। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, अगर हम आपको ढीले ढाले शब्दों में बताएं, तो इन्होंने देखो हमारे भारत देश में जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था, उपनिवेशवाद जो था, यानी कि जो हम गुलाम बने हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था, उसके शासन को अच्छा बनाने के लिए, यहाँ के इतिहास को समझने के लिए काम किया था कि भाई यहाँ के राजा लोग कैसे क्या करते थे, हम भी वैसे ही करेंगे तो हम यहाँ पर अच्छे ढंग से प्रशासन कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया और भारत के इतिहास को समझने के लिए इन्होंने काफ़ी अधिक यहाँ पर काम किया, स्थानीय परंपराओं का संकलन किया, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया, ठीक है। भारत के इतिहास को समझते समझते इन्होंने भारत को काफ़ी कुछ प्रदान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं राय, नायर और सुल्तान के बारे में। अच्छा, राय कौन थे, नायक कौन थे और सुल्तान कौन थे, ये तीन के तीनों ही बहुत ही बड़े यहाँ पर आप कह सकते हो प्रश्न हैं। राय जो विजयनगर साम्राज्य के लोग थे, जो राज परिवार के लोग थे, ठीक है, वो अपने आप को राय कहते थे, ठीक है, विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहकर बुलाने का बुलवाते थे। और नायक सुल्तान क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, तो हमारे देश में इस्लाम भी आ चुका था और इस्लाम के अलावा आपका ईसाई धर्म भी था, इसके अलावा बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था और कई सारे मतलब हमारे यहाँ के मत थे जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धार्मिक परंपराओं वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिसमें आपको दक्कन के सुल्तान मिलते हैं, उड़ीसा के गजपति मिलते हैं, इन शासक गजपति शासक शामिल थे। हाँ देखो, इनकी जो उत्तरी सीमा थी यानी कि इधर वाली, ठीक है, उत्तरी सीमा में दक्कन के सुल्तान मिलते हैं, ठीक है, और उड़ीसा के गजपति मिलते हैं, ये शासक शामिल थे इनकी उत्तरी सीमा में। और उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष होता रहता था। यानी देखो उस टाइम पर आमदनी क्या स्रोत था, जानते हो, देखो आज के टाइम पर जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, वो आमदनी के लिए क्या करते हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो व्यापारी मुख्य है, विदेशों से व्यापार करके ही आमदनी जुटा पाते कोई भी देश, देश के अंदर मतलब फैक्ट्रियां लगा ली, जीएसटी डाल दी, वो तो देश का आंतरिक व्यापार हो गया, बाहरी व्यापार से हम लोग इनकम कर, जैसे कि आप चाइना देखोगे तो चाइना से हमारे देश में और भी कई सारे देशों में कई सारी चीज़ों को भेजा जाता है जो कि बेचते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, कपड़ा है, डिजाइनिंग वाली वस्तुएं हैं, गाड़ियां हो गई, ठीक है, तो व्यापार करके पैसा कमाते हैं। पहले भी ऐसा होता था, ठीक है, पहले क्या था, ये जो शासक थे ये आमदनी के लिए क्या करते थे, विदेशी व्यापार, ठीक है, लाभकारी विदेशी व्यापार किया करते थे और इससे जो संपदा उत्पन्न होती थी इसके अधिकार के लिए संघर्ष इन राजाओं के बीच में चलता रहता, जैसे कि उस समय पर व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था, किनका, घोड़ों का व्यापार हो गया, कपड़े का व्यापार हो गया, मसालों का व्यापार हो गया, ठीक है, हाथी दांत का व्यापार हो गया, ठीक है। अब भाई कोई राजा है जिसने घोड़ा
घोड़ों का व्यापार बहुत कर लिया, कपड़े का व्यापार बहुत कर लिया और उसके पास में काफ़ी अधिक संपदा हो गई, ठीक है। और उसके बगल वाला राजा है जिसके पास संपदा नहीं है, तो एक दूसरे पर अटैक होते रहते थे और एक दूसरे की संपदा को छीना जाता रहता था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे देश में केवल एक गोल्डन टेम्पल है जो कि सोने का बना हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं। बट क्या आपको पता है कि मुगलों के आक्रमण से पहले हमारे देश में हजारों गोल्डन टेम्पल थे, हजारों पूरे सोने के मंदिर बने हुए थे और उसके अंदर मूर्ति भी सोने की थी, पूरा मंदिर सोने का बना होता था, ठीक है। ये इतिहास है हमारे देश का। अब आप कहोगे कि भाई इतना सोना आया कहाँ से, राजा को इतना सोना किसने दिया, तो राजा को जनता ने सोना दिया। अब जनता ने के पास सोना कहाँ से आया, तो विदेश से व्यापार के, क्योंकि विदेशों के पास में हमें बेचने के लिए, हमें देने के लिए कुछ नहीं था, तो सोना चांदी के बदले हमारे यहाँ से चीज़ों को खरीद के ले जाते थे, ठीक है। और राजा लोग जो थे वो टैक्स के रूप में उस सोने को लेते थे, और मंदिर जब बनता था तो आम जनता दान करती थी सोने का कि भाई हम सोना दे रहे हैं और आप मंदिर को बनवाओ। और जब ये मुगल लोग आए तो इन्होंने आक्रमण किया और इन मंदिरों को लूटा, पूरे के पूरे मंदिर मतलब नष्ट कर दिए। और इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग आए वो इन मुगलों को लूट के सारा सोना लेकर चले गए। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। अच्छा, स्थापत्य का अर्थ समझते हो, स्थापत्य यानी कि भवन बनाने की जो कला होती है, भवन बनाने की तकनीक हो गई, आप कह सकते हो आर्किटेक्चर, ठीक है, भवन निर्माण, भवन बनाने की विद्या, ठीक है, इसे आप वास्तु विज्ञान भी कह सकते हो, वास्तु विज्ञान, ठीक है। तो जितने भी शासक थे, जो राज्य थे, इन राज्यों के बीच में स्थापत्य के क्षेत्र में आदान प्रदान होता रहता था कि भाई हमने नई चीज़ बनाई है, आप भी बना के देखो, उनका भाई हमें भी दो, ये आपने नया खोज किया है, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं, अच्छा अवधारणा का अर्थ क्या होता है, विचार, धारणा, विचार, ठीक है, तो विचारों और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया, ठीक है। जितने भी इन्होंने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो राज्यों के साथ में संपर्क अच्छे रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे कि तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्यों का विकास देखा था। हाँ, विजयनगर साम्राज्य को अगर आप देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले यहाँ पर चोलों का शासन था, यहाँ पर अगर आप देखो तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में चोलों का शासन था, कर्नाटक में होयसालों का शासन आपको देखने को मिलता है। इनका, इन्होंने क्या किया था, काफ़ी अधिक विकास भी किया था, कई सारे मंदिर बनवाए थे, आम जनता की भी काफ़ी मदद की थी, धार्मिक क्षेत्रों में भी कई सारे काम किए थे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो आम जनता थी उन्होंने इनके विकास को पहले से देख रखा था, चोलों के और होयसालों के। इस क्षेत्र के शासक वर्ग जो था, जो यहाँ पर अब आया था, ठीक है, इस क्षेत्र के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर हो गया, बेलूर के चन्न केशव मंदिर हो गया, इसके बारे में हमने क्लास 7 में डिस्कस किया था, बृहदेश्वर मंदिर और चन्न केशव मंदिर के बारे में, एंड शायद क्लास 6 और 7 दोनों में डिस्कस किया है, एंड क्लास 12 में भी हमने जो चैप्टर नंबर पार्ट 1 था उसमें शायद डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर और चन्न केशव मंदिर के बारे में। आप जरूर जाकर के इसके बारे में पढ़ना, अगर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हाँ, तो जो ये नए शासक आए, ठीक है, जो नए शासक वर्ग आए, इसने क्या किया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, चन्न केशव मंदिर हो गया, इनको संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, क्योंकि आम जनता इनका विकास देख चुकी थी, ठीक है, और इनसे कनेक्टेड थी, तो राजाओं ने क्या किया, इसको संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर के शासक जो थे वो अपने आप को राय कहते थे, इन्होंने इन परंपराओं को और आगे बढ़ाया, यानी कि जो मंदिर बनवाए गए थे इन्होंने सिर्फ इनका संरक्षण ही नहीं किया बल्कि इनका और विकास किया, साथ ही साथ और मंदिर बनवाने का भी काम किया, ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हाथी घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। देव गजपति, गज यानी कि हाथी और पति यानी कि स्वामी, तो गजपति यानी कि हाथियों का स्वामी। देखो 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वर्ग का, शासक वंश का यही नाम था, क्या नाम था, गजपति, ठीक है। विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति और घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी के की संज्ञा दी गई थी। देखो हमने इस टॉपिक को यहाँ पर क्यों रखा, इसको एक बार समझ लो। कई बार क्या होता है, यूपीएससी के एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भैया गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर प्रश्न आ जाएगा कि विजयनगर के
विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या फिर घोड़ों के स्वामी कहा जाता था। जो राय थे यानी जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इनको नरपति कहा जाता था, या फिर आप कह सकते हो लोगों के स्वामी। ठीक है, लोगों के स्वामी होने की संज्ञा दी गई। ठीक है, गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के जो शक्तिशाली शासक वंश था उनका यही नाम था, गजपति नाम था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में जो उड़ीसा के शासक वंश था उनका यही नाम था, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं, शासक और व्यापारी, ये आपका एक बड़ा टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये टाइम पीरियड देखोगे, इस काल में युद्ध कला एक बहुत ही प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी। ठीक है, युद्ध कला अगर आप देखोगे, जितना भी युद्ध होते थे वो एक अश्वसेना पर आधारित थे, जिसके पास में जितनी बड़ी अश्वसेना हो, क्योंकि उस टाइम पर ना बंदूकें थी। देखो, बंदूकें तो धीरे धीरे आने लगी थी टाइम के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते, बट बंदूकों का हम नहीं कह सकते। हाँ, उस टाइम पर आप तोप वगैरह कह सकते हैं, तोप वगैरह नहीं थी, मिसाइल वगैरह नहीं थी, बाइक नहीं थी, कार नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, और अगर लड़ाई लड़नी है तो राजा तक पहुँचना है, और पैदल चल के आप राजा तक पहुँच नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप राजा को नहीं मारोगे तब तक युद्ध नहीं जीतोगे। और मान लो कि राजा क्या है कि सेना के बिल्कुल लास्ट में है, और आप क्या है कि आगे ही मारने में लगे हुए, आगे तक पहुँच ही नहीं पाओगे, तो अश्वसेना जो थी ये बहुत ही ज़रूरी थी। ठीक है, तो चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखो, यहाँ पर ही जो घोड़े लेकर के आते थे, कहाँ से लाते थे? अरब से लेकर के आते थे, और मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध के माध्यम से लेकर के आते थे, व्यापार करके लेकर के आते थे। ठीक है, और घोड़ों का आयात किया जाता था। हमारे देश में घोड़े इतने बड़ी मात्रा में अगर आप देखोगे तो नहीं थे, विदेश से हम व्यापार करके लेकर के उस टाइम पर आते थे। ये व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था, यानी कि जब स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में लेकर के रखा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापारियों के स्थानीय समूह यानी हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे इन्होंने भी इसमें अपनी सहभागिता दिखानी शुरू कर दी, जिनको कुदरई चेट्टी कहा जाता था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो घोड़ों का व्यापन को कहा जाता, ये भी इस विनिमय में भाग लेते थे। ठीक है, इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने इसको पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ के लोगों को आप जानते ही हो, आज देखो विदेशों के हम विदेश जो हैं वहाँ पर हमारे देश के जो आम जनता के लोग हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से जब स्टार्टिंग में व्यापार शुरू हुआ था तो नहीं, लेकिन बाद में हमारे देश के लोगों ने भी इसमें काफ़ी अधिक सहभागिता दिखाई। 1498 तक आते आते क्या हुआ, पुर्तगाल उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आ गए थे। जो पुर्तगाली थे वो 1498 तक हमारे देश के पश्चिमी तट तक आ गए थे, और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, कि भाई हम यहाँ से व्यापार करेंगे, तो व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने के यहाँ पर प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी और विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। देखो, आप अगर किसी भी जगह पर जा रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप वहां पर बने रहो, तो आपके पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज के टाइम पर वो चीज़ है टैलेंट। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो और आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास टैलेंट है, तो आप वहां पर आपकी वहां पर पूजा होगी। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, आपको अगर अपनी पूजा करवानी तो आपके पास में टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, आप राजनीति में जा रहे हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप टीचिंग के क्षेत्र में जा रहे हो, आप व्यापार के क्षेत्र में जा रहे हो, अगर आपके पास में टेक्निक है, अगर आपके पास में मतलब कह सकते हैं कि हाँ योग्यता है, तो आप वहाँ पर अपना जलवा दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पुर्तगालियों को देखोगे, तो जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, यहाँ पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे थे। ठीक है, उनके पास में क्या था, बंदूक थी। ठीक है, बंदूक का प्रयोग जो था इस काल में उनको एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया इन्होंने। ठीक है, इनको बंदूक वाली इनके पास जो तकनीकी थी, ठीक है, बहुत ही बेहतर तकनीक थी ये, इस वजह से इनको यहाँ पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर में मसाले बहुत ही अच्छे मिलते थे, वस्त्र बहुत अच्छे बनाए जाते थे, और रत्न भी थे, तो इनके लिए काफ़ी अधिक प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था, और जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होगा वो शहर भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा व्यापार होगा, यहाँ की समृद्ध जनता महंगी वस्तुओं महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी,
जो विजयनगर साम्राज्य की जनता थी, यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया समृद्ध जनता, यानी कि यहाँ की जनता जो थी वो गरीब नहीं थी इतिहासकारों की अगर मानी जाए, ठीक है, तो यहाँ की जनता गरीब नहीं थी। यहाँ पर विशेष रूप से मसालों, वस्त्रों और रत्नों का व्यापार होता था, ठीक है, और जो व्यापार था अगर आप देखो विजयनगर साम्राज्य को, तो व्यापार के लिए एक प्रतिष्ठा का मानक था ये, ठीक है, मानक माना जाता था। यहाँ की जनता गरीब नहीं थी और यहाँ की जनता जो थी वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की, दूसरी रत्नों और आभूषणों की, और दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व जो था उसकी समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। एक मिनट, हाँ, जो यहाँ की जनता थी वो क्या करती थी, महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग करती थी, ठीक है, विशेष रूप से रत्न और आभूषण की। इसके अलावा अगर आप देखो दूसरी ओर जो व्यापार था वो राजस्व, राज्य की व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य को समृद्ध बनाने में काफ़ी अधिक योगदान देता था। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ पर व्यापार हुआ उससे राजस्व मजबूत हुआ, ठीक है, और जो व्यापार हुआ उससे आम जनता के पास में भी काफ़ी धन आया। और जैसे आज भी आप देखोगे हमारे देश में आपको देखने को मिलता है जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो चाइनीज़ फ़ोन यूज़ नहीं करता, फिर वो कहता है आप मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है ना भाई, जिसके पास आप देखोगे थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, भले ही उसके पास में सेविंग ना हो बट वो बाइक पहले ले आएगा, ठीक है, सेविंग ना हो वो कार पहले लेकर के आ जाएगा, वो कहेगा मुझे बहुत बढ़िया घर चाहिए। और जिसके पास में थोड़ा सा और पैसा आ जाएगा वो कहेगा अब मैं ब्रांडेड चीज़ ही पहनूंगा, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा। तो ये हमेशा से हमारे देश में होता आया है, DNA में ये शामिल है, ठीक है, और आज भी देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में, ठीक है, और राज्य का चरमोत्कर्ष पर पतन, हम टाइम देख लेते हैं एक बार, देखो लगभग आधा घंटा हो चुका है, एंड ये टॉपिक जो आपका राज्य का चरमोत्कर्ष पर पतन है, ये टॉपिक चैप्टर में जो दिया गया है बहुत ही कम चैप्टर में इसके बारे में नॉलेज दी गई है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो बस इतने में इन्होंने समाहित कर दिया, ठीक है, यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है। इसमें मैप भी दिया गया है बट यहाँ तक में ये समाप्त हो जाएगा, मेरी माने तो इसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 में हम इसे डिस्कस करेंगे, राय और नायक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में, और इसके बाद में शहर के विषय में खोज कैसे की गई इसको डिस्कस करेंगे, एंड यहाँ तक डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 3 में विजयनगर उसकी राजधानी और उसके परिप्रदेश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखो हम इसको पार्ट 2 में इसलिए लेकर के जा रहे हैं, हम चाहें तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, कौन सा, राज्य का चरमोत्कर्ष पर पतन, इसको पार्ट 2 में हम इसलिए लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही डीपली डिस्कस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारे राजवंशों ने विजयनगर पर राज किया है, उन सभी राजवंशों को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे राजवंशों को दिया भी गया है, जैसे कि आप देखोगे पहले आया है संगम वंश, ठीक है, इसके बाद में आप देखो तो सुलुभ वंश आते हैं, फिर आपका आता है तुलुभ वंश, फिर आपके इसके बाद में अराविदु वंश आता है, इन सभी वंशों को डिस्कस करना है, एंड एक एक में कई कई राजाओं ने राज किया। जैसे कि हम संगम वंश की अगर स्टार्टिंग में बात करते हैं, संगम वंश में किन किन राजाओं ने राज किया, तो आप देखते हो सबसे पहले स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का आ गए, इसके बाद में आप अगर देखोगे तो हरिहर द्वितीय आता है, फिर देवराय प्रथम आता है, फिर आता है देवराय द्वितीय, एंड इन सभी लोगों ने कुछ विशेष काम किए हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, जो कि इस चैप्टर में नहीं दिए गए, विशेष कामों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। फिर अगर हम सुलुभ वंश के बारे में देखते हैं तो सुलुभ वंश में भी कई सारे प्रमुख शासक हुए, जिसमें आपको सुलुभ नरसिंह देखने को मिलते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अधिक काम किए हैं, ठीक है, ये काफ़ी शक्तिशाली सामंत थे, सामंत से ये राजा बने थे। फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे सुलुभ वंश के बाद में आता है आपका कौन सा, तुलुभ वंश में कृष्णदेवराय जो थे ये तुलुभ वंश से संबंधित हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट शासक थे, ठीक है, महत्वपूर्ण राजा थे, इनके बारे में हम गहराई से डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपको इनकी लाइफ से कुछ सीखने को भी मिले और इन पर प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी। चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, डिस्कस करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, एंड अराविदु वंश के बारे में भी, इसके बाद में काफ़ी सारे टॉपिक, तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो पार्ट 2 में हम इसे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा, 3-4 घंटे के बाद में पार्ट 2 आएगा, देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।